जितनी खुशी हम सबको KGF 2 के आने पर हुई, उसकी एंडिंग देखकर हम उतने ही सैड हो गए थे, क्योंकि एंड में हमने रॉकी भाई को मरते हुए देखा था। जहां कुछ लोगों का मानना है कि ये रॉकी भाई का एंड था, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि रॉकी का सपना पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना था, इसीलिए वो वापस जरूर आएगा। और वैसे भी देखा जाए ना तो रॉकी जैसे किरदार कभी मरते नहीं है, वो हमेशा ही सबके दिलों में रहते हैं। जैसे हमने एवेंजर्स एंडगेम पे लास्ट में हमारे फेवरेट आयरन मैन को मरते हुए देखा था, तब जैसी फीलिंग हमें आई थी ना, वैसे ही फीलिंग हमें रॉकी भाई के डूबने पर भी आई थी, यानी कि उनके मौत में सभी लोग काफी सैड हो गए थे। लेकिन पार्ट 2 के एंड में हमें ये तो पता चल गया कि पार्ट 3 तो आएगा, लेकिन उस पार्ट 3 में हमें रॉकी के उस वक्त की कहानी को दिखाया जाएगा जब वो फॉरेन गया था। मतलब पार्ट 3 पार्ट 2 का प्रीक्वल होने वाली है। अब उसका एंड कैसे होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसमें हमें रॉकी एक इंटरनेशनल माफिया कैसे बना ये दिखाया जा सकता है। अगर हम रॉकी के बचने की पॉसिबिलिटीज की बात करें तो वो 50-50 है। पहले तो ये कह सकते हैं कि जो एंड हमने पार्ट 2 में देखा वही रॉकी का एंड होगा और पार्ट 3 सिर्फ एक प्रीक्वल होगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रॉकी भाई समुंदर की गहराइयों से बच जाएंगे और उन्होंने सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी फेक डेथ दिखाई थी, जबकि उन्होंने खुद को समुंदर से बचाने के लिए किसी और को पहले से ही बोल के रखा था, और वो और कोई नहीं बल्कि सालार बने प्रभास होंगे, जिसकी हिंट हमें प्रभास की सालार में मिलने वाली है जो KGF 3 से पहले रिलीज होगी। इसलिए KGF 3 के पहले हिस्से में हमें उनका इंटरनेशनल सफर दिखाया जाएगा, फिर उनका रेस्क्यू दिखेगा और फिर रॉकी वर्सेस रमिका सेन वर्सेस ऑल गवर्नमेंट का शोडाउन होगा। पूरी फिल्म में हमें ऐसा लगेगा कि रॉकी की जगह सालार ने ले ली है और वो भी अब सबसे बड़ा माफिया बन गया है, लेकिन फिर हमें पता चलेगा कि रॉकी ही है जो सालार को गाइड कर रहा था। और फिर जब वो देखेगा कि दुश्मन ने ये मान लिया कि रॉकी नहीं रहा, और जब वो इस बात का जश्न मना रहे होंगे, तब रॉकी एंट्री लेगा और सबका काम तमाम कर देगा, और हमें रॉकी और सालार का एक दमदार डुओ नजर आने वाला है। दोस्तों साथ ही अगर प्रशांत नील, जो KGF और सालार दोनों के ही डायरेक्टर है, वो भी अपना एक माफिया वर्ल्ड या फिर इमेजिनरी वर्ल्ड या फिर यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी और आगे हमें और भी कहानियां देखने को मिलने वाली है। तो आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।